नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्रिकेट से जुड़े कुछ कमाल के तथ्य हैं जो शायद आपके होश भी उड़ा दें। क्या आप खुद को बहुत बड़ा क्रिकेट प्रेमी मानते हैं? तो आइए आपकी इस गलतफहमी को दूर करते हैं। खैर, बुरा न माने, यदि आप इन अद्भुत क्रिकेट के कुछ भी कमाल के तथ्यों को पहले से जानते थे तो आप सच में एक क्रिकेट लवर हैं। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी मजेदार वीडियोस आपको आने वाले समय में मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। शाहिद अफरीदी ने सबसे तेज वनडे शतक के लिए सचिन तेंदुलकर के बल्ले का इस्तेमाल किया था। जी हाँ दोस्तों, चौंक गए ना। यह मैच 1996 में श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच खेला गया था, जब शाहिद अफरीदी को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया तो उस समय उनके पास बल्लेबाजी करने के लिए उचित बैट नहीं था। उस समय वकार यूनिस ने अफरीदी को खेलने के लिए सचिन तेंदुलकर का बल्ला दिया था। उस बल्ले से अफरीदी ने 11 छक्के और 6 बाउंड्रीज जड़ते हुए श्रीलंका के खिलाफ मात्र 37 गेंद में अपनी सेंचुरी पूरी की थी। इसी के साथ अफरीदी ने सबसे तेज सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया था। हालांकि बाद में कोरी एंडरसन ने 36 गेंद पर सेंचुरी बनाकर यह रिकॉर्ड तोड़ भी दिया था। अब्बास अली बैग पहले भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्हें एक टेस्ट मैच के दौरान एक ऑस्ट्रेलियन लड़की ने चूमा था। 50 के दशक में सबसे खूबसूरत क्रिकेटर अब्बास अली बैग की दुनिया दीवानी थी। सन 1960 में कानपुर के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच में गर्ल्स स्टैंड से निकलकर एक लड़की मैदान पर आई और उसने अब्बास को किस कर लिया। कुछ पलों की चुप्पी के बाद स्टेडियम में बैठे लोग तालियां बजाने लगे। अब्बास अली का चेहरा तो शर्म से लाल हो गया था। यह भारतीय क्रिकेट के इतिहास में संभवतः पहला किस था। सुनील गावस्कर अपने करियर में लगातार 3 बार टेस्ट मैचों की पहली गेंद को आउट होने का रिकॉर्ड बनाया है। सुनील गावस्कर 3 बार टेस्ट मैचों में पहली ही गेंद पर आउट हुए हैं। पहली बार 1974 में एजबेस्टन के इंग्लैंड के जियोफ अर्नोल्ड ने गावस्कर को टेस्ट मैच की पहली गेंद पर ही आउट किया था। दूसरी बार 1984 में कलकत्ता में हुए मैच के दौरान वेस्ट इंडीज के मेलकम मार्शल ने आउट किया। और तीसरी बार 1987 में जयपुर में हुए पाकिस्तान के खिलाफ मैच में इमरान खान ने इन्हें आउट किया। एमएल जयसिम्हा और रवि शास्त्री भारत के ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेस्ट मैच के 5 दिन बल्लेबाजी की है। सैफ अली खान के दादा इफ्तिहार अली खान पटौदी एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेस्ट मैच 2 देशों से खेला है। उन्होंने भारत और इंग्लैंड दोनों की टीम से टेस्ट मैच खेला हुआ है। उन्होंने अपना पहला मैच इंग्लैंड की तरफ से खेला था, जो कि 2 दिसंबर 1932 को इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था। वह 1932 से लेकर 1934 तक इंग्लैंड के लिए खेले। लाला अमरनाथ एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेस्ट मैच में डॉन ब्रैडमैन की विकेट ली थी। लाला अमरनाथ भारत के पहले क्रिकेट कप्तान थे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की ओर से पहला शतक जमाया था। वे भारत के पहले ऑलराउंडर भी थे। उन्होंने ब्रिसबेन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुए एक मैच में ऐसा कारनामा किया जो अभी तक कोई नहीं कर सका। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन को हिट विकेट आउट करना। लाला अमरनाथ ने इस मैच में डॉन ब्रैडमैन को हिट विकेट आउट किया था। ब्रैडमैन ने इस मैच में 185 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया के इस दिग्गज ने भी उनकी तारीफ करते हुए उन्हें क्रिकेट का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया था। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने भारत से पहले पाकिस्तान के लिए मैच खेला है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि सचिन तेंदुलकर ने भारत से पहले पाकिस्तान के लिए मैच खेला होगा। ब्रेबोर्न स्टेडियम 1987 में भारत और पाकिस्तान के बीच अभ्यास मैच चल रहा था, तब वह पाकिस्तान की तरफ से फील्डिंग करने आए थे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको बताया क्रिकेट के कुछ कमाल के तथ्य हैं शायद जो आप नहीं जानते थे। और अगर आप जानते थे तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप कौन सा तथ्य जानते थे। मिलते हैं आपसे ऐसी ही जानकारी भरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।